बाकायदा जो किताब हदीया मुबल्लिगीन है उसमें किताब शनाख्त नमाज के हवाले से एक रिवायत को नकल किया गया। वो ये है कि एक दफ़ा एक शख्स पैगंबर इस्लाम के पास आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं बहुत मालदार शख्स था, अब मैं बिल्कुल फकीर हो गया हूं। पैगंबर ने कहा क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? उसने कहा पैगंबर इस्लाम मैं तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूं। पैगंबर ने कहा क्या तुम रोजे नहीं रखते? कहा कि मैं रमजान के रोजे तो छोड़िए, मैं 3 महीने मुसलसल रजब से लेकर रमजान तक पाबंदी से मुस्तहब रोजे तक रखता हूं। पैगंबर इस्लाम ताज्जुब में पड़ गए कि ऐसा कौन सा इसने गुनाह किया कि इसके माल से बरकत खत्म हो गई। उस वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, खुदा दुरूद व सलाम आपके ऊपर भेजता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, आप इस बंदे से कह दें कि इसका जो बाग है उस बाग के अंदर एक घोंसला है चिड़िया का, उस घोंसले में एक बेनमाजी की हड्डी का एक टुकड़ा मौजूद है जिसकी नहुसत की वजह से तुम्हारे माल में बिल्कुल बरकत खत्म हो गई और तुम मुफलिस नादार हो गए। पैगंबर इस्लाम ने उस शख्स को यह बात बताई, वो शख्स अपने बाग में गया और वो आमतौर पे होता है ना, जानवर कोई ना कोई टुकड़ा उठाकर ले आते हैं किसी हड्डी का, वो उसने घोंसले में से निकालकर किसी दूर जगह फेंक कर आया, उसके असरात बद दूर हुए और दोबारा माल के अंदर उसके बरकत आनी शुरू हुई। तो आप खुद सोचें कि बेनमाजी की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा वो इतना ज़्यादा नहुसत रखता है, तो एक मुजस्सम बेनमाजी आपके अतराफ में मौजूद हो, मुजस्सम बेनमाजी आपके घरों के अंदर आपके साथ रहते हों, तो वो घर कितनी बलाओं, तकलीफ़ों, मुश्किलात, परेशानियों और फ़क्र व फाके का शिकार होगा, जो लोग आज हर वक्त इसका जिक्र करते रहते हैं। अब बेनमाजी से मुराद ये नहीं कि जो शुरू से आखिर तक एक नमाज भी ना पढ़ता हो, जो गंडेदार टाइप के नमाजी होते हैं, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, कि फला नमाज फजर की रोज़ाना कज़ा हो गई, सारी नमाजों को कज़ा करके कभी एक साथ पढ़ लिया, इनके भी असरात नहुसत इसी अंदाज के होते हैं। तो अगर आपने खुद अपने आप को नमाजें ठीक भी कर रही, लोग बड़े परेशान होते हैं, जैसे उसने आकर के मैं 3 महीने के मुस्ताहब रोजे भी रखता हूं, तमाम नमाजें भी पाबंदी के साथ पढ़ता हूं, कोई वाजिबात अपना छोड़ता नहीं हूं, फिर भी मैं मुफलिस होता जा रहा हूं, इस वजह से कि आप तबलीग नहीं कर रहे हैं अपने अतराफ वाले लोगों पर, वो अगर वैसे ही खराब रहे और आप जाती तौर पर अपने अमल को अच्छा करते चले गए तो ला मोहला उनके असरात आप तक पहुंचेंगे और यही बेबरकती और नुकसान का सबब आप बनेंगे। जैसे कोई बहुत बदबूदार चीज कमरे, आप लाख खुशबू लगा के बैठे रहें और कोई सड़ी हुई मछली कमरे में लाके रख दें तो उसके असर तक पहुंचेंगे। आप फकत अपने लिबास पर खुशबू से उस गंदे और बुरे और बदबूदार चीज के असरात को दूर नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरत इस बात की, जब भी हम बार बार इस बात को कहते हैं कि तबलीगात के अंदर आप अपने आप को भी, अगर आपको ठीक करना है अपने हाल को भी, तब भी आपको तबलीग करना पड़ेगी, वरना दूसरे जो खराब होते चले जाएंगे आपके तबलीग ना करने के नतीजे में, उससे आप भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। इसकी तबलीग करें, लोग इसको पढ़ना शुरू करें और मसाइले फिका के तहत सही तौर पर नमाज पढ़ना शुरू करें और नमाज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप इकदाम शुरू करें। और अगर कोई शख्स फकत पूरी ज़िंदगी भी इस नमाज के मौजू की तबलीग पे लगा दे तो उसने एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो अंजाम दे दिया।